हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ हैदराबादी चिकन करी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लजीज और बहुत ही अजीज और टेस्ट में बिल्कुल दमदार। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो इसको ज़रूर ट्राई दे। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी कई सारी रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस रेसिपी की। हम लेंगे 500 ग्राम चिकन, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे धनिया जीरा पाउडर। धनिया जीरा पाउडर हम दो छोटी चम्मच लेंगे। दो छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च, जो तीखी वाली मिर्च आती है, मिर्च का पाउडर, वो हम एक छोटी चम्मच ऐड कर लेंगे। एक छोटी चम्मच मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ताकि इस अपनी चिकन की रेसिपी में थोड़ी सी तीखापन आए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे लाल मिर्च। जी हाँ, लाल मिर्च जो कश्मीरी मिर्च आती है, जो सिर्फ रंग के लिए होती है, उसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता, तो हम वो ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, वो एक छोटी चम्मच ऐड करेंगे ताकि इससे हमारा जो चिकन है वो बहुत ही खिल के आए और अच्छे से पक जाए, तो और इसके अंदर और भी निखार आ जाएगा। तो इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे आधी चम्मच छोटी सी हल्दी का पाउडर। इसके अंदर हम आधी चम्मच छोटी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। ये मैंने घर पर ही भून लिया है। जीरा आप ले सकते हो, उसको भून कर अच्छी तरह से कैसे ग्राइंड करके उसका पाउडर कर सकते हो, वही भुना पाउडर किया हुआ आप इसमें एक छोटी चम्मच ऐड कर दें। फिर इसमें हम ऐड करेंगे दही। जी हाँ, ये दही आपको ऐड करना है, बिकॉज इस रेसिपी में मैंने टमाटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, तो ग्रेवी करने के लिए हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है। आप दही पानी वाला भी ले सकते हैं और हैंग कर्ड भी ले सकते हैं, खट्टा दही भी ले सकते हैं, और जो सादा दही आता है बिना खट्टापन वाला वो भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है और वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम दही लिया है और 200 ग्राम दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा नींबू का रस। जी हाँ दोस्तों, आधा नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे ताकि मैरिनेट करने के बाद चिकन एकदम से जूसी और अच्छे से वो इजीली पक जाए और उसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो ये सब चीज़ें, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इस चिकन के मिक्सचर को देंगे अच्छा सा मिक्स। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से हम इसको अपने हाथों के इस्तेमाल से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इस मैरिनेट को हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। जी हाँ, अगर आप पका रहे हो अपना चिकन नेक्स्ट डे पकाने वाले हो, तो आप इसको इस तरीके से मसाले लगाकर फुल नाइट के लिए रख दें और नेक्स्ट डे इसको कुक करें, तो इसका मज़ा और दुगना हो जाएगा। जी हाँ, इसके अंदर अच्छे से मसाले अंदर मेल्ट हो जाएंगे और ये और भी टेस्टी बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और ओवरनाइट रख दे और नेक्स्ट डे उसको कुक करें। और अगर आप सेम डे कुक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे के पहले आप उसको मैरिनेट करके रख दे और फिर इस चिकन के मैरिनेट को हम यूज़ करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो इस तरीके से मिक्सचर को मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे। फिर हम लेंगे, ये मैंने लिया है 3 कटे हुए प्याज, लंबे लंबे काट लेंगे उसको, और हमने लिए हैं सारे खड़े मसाले। खड़े मसाले में आ जाता है अपना तज, मिरी, लविंग, और फिर वो स्टार जो फूल बोलते हैं वो, फिर इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जीरा। इतने खड़े मसाले हमें लेने हैं, तजपत्ता भी लेना है इसमें, और ये सारे खड़े मसाले हम ऐड करेंगे अपने तड़के में। तो चलिए, कढ़ाई ले ली है मैंने। कढ़ाई में मैंने अच्छे से एक कटोरी भर के तेल ले लिया है, समझ लो ये है 200 ग्राम, अराउंड 200 ग्राम का तेल लिया है। इसके अंदर हम अपने प्याज जो है वो लाल करने वाले हैं, तो प्याज का तड़का देंगे इसमें। पहले हम डालेंगे खड़ा मसाला, इसके अंदर डालेंगे जीरा, और इसके अंदर फिर हम अपने जो प्याज है वो डाल देंगे।
प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से लाल करेंगे। अब देखो ये जो मैंने खड़े मसाले डाली हूँ, जीरा मैंने एक चम्मच ली, एक छोटी सी चम्मच ही डालनी है आपको, और जो खड़े मसाले हैं वो दो चार लविंग, दो चार तीन जैसी अपनी इलायची और एक तेज पत्ता, और एक ऐसे डाल के हम इसको थोड़ा जब तेल गर्म होगा उसमें हम ऐड कर लेंगे। वो ऐड करने के बाद ये खड़े मसाले जब हो जाए थोड़े फ्राई जैसे, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, अपना प्याज ऐड करेंगे धीरे धीरे जो कटे हुए हैं वो, और इसके अंदर फिर हम इसको प्याज को लाल होने छोड़ देंगे। जब ये प्याज अच्छे से लाल हो जाएंगे तो ये थोड़े से पहले पिंक होंगे, पिंकिश होने के बाद ये धीरे धीरे थोड़े गोल्डन ब्राउन होंगे। तो जब भी वो गोल्डन ब्राउन हो तो आप अपने गैस को फास्ट फ्लेम पे ही पकाए इस प्याज को, और ये गोल्डन ब्राउन होने पर गैस की फ्लेम थोड़ी स्लो कर देंगे। इसको इसे चलाते रहना है ताकि आपके प्याज जल ना जाए। शुरुआत में स्टार्टिंग में जब आप प्याज डालते हो थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके उसको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट में ये आपके प्याज गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो जाएंगे। तो आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, और जैसे आपको लगता है कि थोड़े से पिंकिश कलर हो गए हैं तो फिर उसको आप चलाते रहिए ताकि आपका प्याज जल ना जाए। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपने इसको ट्राई किया है तो मुझे कमेंट में शेयर करके बताइए, ताकि मेरे को और भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। इसी तरीके से आप प्याज को भून लेंगे और उसको फ्राई करेंगे और उसको थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसी तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और जब ये स्टेज पे आते हैं तो आपको इसको बिल्कुल भी इस तरीके से छोड़ना नहीं है, इसको इसी तरीके से चलाते रहना है ताकि आपके प्याज जल ना जाए। क्योंकि अगर प्याज जल गए तो आपका जो ग्रेवी है उसमें कड़वापन आ जाएगा, और आपकी पूरी जो चिकन की जो ग्रेवी बनाने वाले हो उसमें कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा, तो आपके प्याज बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। इसी तरह लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अपनी गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए, और जो अपना ऑयल हॉट है गर्म है उसी में आप ये करछी चलाते रहिए। प्याज को हम इस तरीके से चलाते जाएंगे, और जब तक वो प्रॉपरली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक उसको इस तरीके से पकाएंगे। गाइज अगर मेरा आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और इस रेसिपी को पूरा देखें, एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना जो चिकन का मैरिनेट करके रखा था हमने, वो सारी की सारी चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट हम एक छोटा चम्मच ही ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, और नॉनवेज में तो मस्ट होता है, ज़रूरी होता है ऐड करना, तो ही उसका जो टेस्ट है वो लाजवाब बनता है। तो इस तरीके से जितना भी हमारा जो भी सारा मैरिनेट था वो मैरिनेट हम पूरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखो दोस्तों मैंने ये जो रेसिपी है बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और इसके अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आपकी ये रेसिपी टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार हो जाती है। सच बोल रही हूँ, इसमें टमाटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके घर में टमाटर नहीं है, और अगर आपके घर में टमाटर नहीं होने के बावजूद भी आपको चिकन की रेसिपी रेडी करके तैयार करनी है तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है आपके लिए। बहुत ही चुटकियों में बनने वाली, मिनटों में रेडी हो जाएगी, और इसके टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। इसको अच्छे से मिक्स दे देंगे और इसको हम 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम लीड को कवर कर देंगे और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपके पास चिकन मसाला है, अगर पैकेट रेडी टू कुक वाला जो मसाला है अगर आपको ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। और इस ये देखिए इसको 5-10 मिनट हम ऐसे रहने देंगे, तो इसके बाद ये इस तरीके से आपको इसका कलर खिला खिला सा दिखेगा। ये कलर इस तरीके से इसका क्यों आया, बिकॉज़ हमने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड की थी। कश्मीरी मिर्च ऐड करने पे ये कलर ऐसे खिल के आएगा। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी बनके रेडी हो जाती है, आप देख सकते हैं। और इसको इसी तरीके से हमें 5-10 मिनट तक भुनने देना है, अच्छे से भून के रेडी हो जाएगा अपना चिकन।
और बेहतरीन सा टेस्ट देगा अपना ये चिकन। फिर इसी तरीके से हमें करछी चलानी है और 5-10 मिनट और इसको पकाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे इसमें, ओनली 1/2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे, तो ये अपना चिकन क्या है कि गल जाएगा, जल्दी से गल जाएगा। 5-10 मिनट हम इसको लिड को कवर करके पकाएंगे। पकाने के बाद ये रेडी होकर तैयार हो जाएगा अपना चिकन। इसमें हम थोड़ा धनिया पाउडर डालकर इसको गार्निश करेंगे इस तरीके से, और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इस पर डाली है, और फिर इसको चला के हम इसको थोड़ा ढक के रख देंगे। देखो, अगर अपनी चिकन को टेंडर जूसी बनानी है आपको, एकदम जूसी जूसी, तो आपको जब ये कुक होकर इस तरीके से रेडी हो जाती है, आपको तुरंत सर्व नहीं करना है इसको, आप 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर छोड़ दें। अगर रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर ले।